हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 5। इससे पहले सोल्यूशन नंबर 4 तक मैं आपको करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। दे डिसाइडेड टू टेक डी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर ऑन 1 अप्रैल 2017। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यू एट 3 times द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 4 ईयर और 5 ईयर विच एवर इज हायर। The agreed profit for goodwill purpose of the past 5 years are as follows. आपको previous 5 years का profit बता रखा है। 31 March 2013 में 1,30,000 का profit हुआ, 2014 को 1,20,000, 2015 में 1,50,000, 2016 में 1,10,000 और 2017 में 2 lakh rupees। आपको बोल रखा है calculate करनी है value of goodwill। यहाँ पे आपको average profit method का use करके value of goodwill पता करनी है। क्वेश्चन में बता रखा है कि एबीसी 3 पार्टनर है, उनके रेशियो बता रखे है 3:2:1 है। ये डिसाइड किया गया कि डी एक नया पार्टनर आएगा बिजनेस में, जो कि 1/4 शेयर लेके आएगा ऑन 1 अप्रैल 2017 को। अब क्या हुआ कि गुडविल की वैल्यू जो आपको कैलकुलेट करनी है वो आपको नंबर ऑफ ईयर जो परचेज बता रखा है वो 3 times बता रखा है, पर 3 को आप उससे मल्टीप्लाई करना है। 3 को आपको तब मल्टीप्लाई करना है जब आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे 4 ईयर का और 5 ईयर का। मतलब यहाँ पे आपको 2 times कैलकुलेशन करनी है। एक बार आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 ईयर पे, एक बार आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 5 ईयर पे। जिसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा आपको उसी अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, चाहे वो 4 ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है चाहे वो 5 ईयर का प्रॉफिट ज्यादा है। जो उनका प्रॉफिट हायर होगा, जैसा कि क्वेश्चन में बता रखा है, आपको 3 को उसी अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम 4 ईयर पे प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल प्रॉफिट 4 ईयर का आपको लेना है। 4 ईयर से मतलब आपको 2014 से 2017 तक का आपको प्रॉफिट लेना है। तो 2014 को जो प्रॉफिट हुआ 1,20,000, 15 में 1,50,000, 1,10,000 हुआ 2016 में प्रॉफिट, और 2 lakh प्रॉफिट हुआ 2017 में। ये आपने प्रीवियस 4 ईयर का प्रॉफिट लिया है। अब यहाँ पे आप टोटल करेंगे तो टोटल प्रॉफिट आपके पास जो कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 5,80,000। यहाँ पे अब आपको फिर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर में आप 4 लिखेंगे क्योंकि अभी आपने प्रीवियस 4 ईयर का ही प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। टोटल प्रॉफिट है 5,80,000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 1,45,000। ये एवरेज प्रॉफिट निकला है बेस्ड ऑन 4 ईयर ऑफ प्रॉफिट। प्रीवियस 4 ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे हमने ये एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है जो कि है 1,45,000। सेम इसी तरीके से अब आपको क्या करना है, आपको 5 ईयर के बेस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अब आपको पांचों पूरे 5 ईयर्स कैलकुलेट करने होंगे जो भी आपको प्रॉफिट दे रखा है। तो टोटल प्रॉफिट लिखिए, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा। आपके बाद आपको 1,30,000 भी इंक्लूड करना है। 1,30,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,50,000, 1,10,000 प्लस 2 lakh। जब आप इन 5 साल के प्रॉफिट को टोटल करेंगे तो ये टोटल प्रॉफिट आपके पास आएगा 7,10,000। अब सेम आपको इसमें भी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। टोटल प्रॉफिट अब आपका है 1,10,000, 7,10,000। तो नंबर ऑफ ईयर आप 5 लेंगे क्योंकि आपने बेस्ड ऑन 5 ईयर पे प्रॉफिट कैलकुलेट किया है। तो टोटल प्रॉफिट है 7,10,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगा 1,42,000। अब क्वेश्चन में क्या रखा है कि जो ये 3 times दे रखा है ना, ये आपको उससे मल्टीप्लाई करना है जिसका एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो बेस्ड ऑन 4 ईयर ऑफ प्रॉफिट का एवरेज प्रॉफिट 1,45,000 है और 5 ईयर का प्रॉफिट 1,42,000 है। तो इसका मतलब ये है कि 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट इज मोर देन दी 5 ईयर ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो आपको फॉर्मूला यूज करना है गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट में आपको हायर वाली वैल्यू रखनी है जो कि 1,45,000 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको नंबर ऑफ ईयर परचेज जो कि क्वेश्चन में 3 times बता रखा है। मल्टीप्लाई करने पे आपके पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 4,35,000। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। गुडविल की वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो है 4,35,000। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।